लाइफ में यदि स्ट्रेस फ्री जीना है तो कंट्रीब्यूशन में ध्यान दो, कंपटीशन में नहीं। आज अपन कंपटीशन में उतर गए हैं, और जब व्यक्ति किसी से कंपीट करने लगता है, किसी से कंपटीशन में उतर जाता है, फिर उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि ये जीवन में यदि कंपटीशन के अंदर आप उतर गए तो फिर देखो कभी भी आप किसी से जीत नहीं पाओगे। क्योंकि ये जीवन क्या है, एक हाईवे की तरह है, और उस हाईवे में यदि आप कार लेके जा रहे हो और आप अपनी फुल स्पीड से कार चला रहे हो 200, 250, लेकिन अपनी पूरी स्पीड से जब आप जा रहे हो, सबसे आगे निकलना चाहते हो, लेकिन हाईवे के अंदर आप देखोगे कि फुल स्पीड पे चल रहे हो फिर भी आपसे आगे कई कार जा रही है। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है, आप अपने फुल स्पीड से औरों को हराने के लिए दौड़ते हो, औरों से आगे निकलने के लिए दौड़ते हो, लेकिन फिर भी लगेगा कि आपसे आगे बहुत लोग हैं, और वो देखते देखते ही आप स्ट्रेस को जनरेट करने लगते हो, आप अपने अंदर एक स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप कंपटीशन में उतर गए। और लाइफ को एंजॉय करो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, और जब व्यक्ति कंपटीशन में उतर जाता है तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। जैसे आप कार लेके कोई सीनिक रूट पे जा रहे हो, बहुत सुंदर पहाड़ आ रहे हैं, बहुत सुंदर वहाँ झरने हैं, सामने सुंदर समुंदर है, और पूरी प्रकृति का आनंद लेते लेते आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन उसी समय कोई बिल्कुल फास्ट कार लेके आया और आपको ओवरटेक करके निकल गया, और जैसे ही आपसे आगे निकला आपने सोचा अरे मुझसे आगे कोई कैसे जा सकता है, और मुझसे आगे गया मैं अभी उसको हराता हूँ। और ये विचार करके जब आप उससे कंपटीशन में उतर गए, वो जितनी स्पीड लगा हुए आप उससे भी अधिक स्पीड लगाने का प्रयत्न करते हो, और अब आप भाग रहे हो उसी सीनिक रूट से, लेकिन क्या अब आपको वो झरने देखने का टाइम है, आपको वो नेचर ब्यूटी देखने का टाइम है, अब आपको वो सुंदर समुंदर देखने का टाइम है? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जब कॉम्पिटिशन में उतर गए तो जीवन का